नमोस्तुचर श्री दीपक सहा कोल्हापुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। निश्चय धर्म करने के लिए अनुकूलता मिले ऐसा पुण्य कैसे प्राप्त करें? क्या वह इसी भाव में मिल सकता है या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। निश्चय जो धर्म है वह रत्नात्रय को धारण करने पर होता है, और रत्नात्रय धारण इस भव में भी हो सकता है और होता है, धारण कर रहे हैं। आप भी रत्नात्रय को धारण करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को भी धारण करो, बाह्य रूप से भी और अंतरंग रूप से भी, और बीच बीच में शुद्ध उपयोग की दशा। रही बात उसकी अनुकूलता, तो अनुकूलता तो वर्तमान में है ही है ना। पंचम काल के अंत अंतक मुनियों का सद्भाव होगा, भावलिंगी मुनिराजों का। तो भावलिंगी मुनिराज निश्चय धर्म का पालन करते हैं, शुभ उपयोग में आते हैं तो बहिरंग धर्म का पालन करते हैं, और शुभ उपयोग को छोड़ करके जब शुद्ध उपयोग में पहुंच जाते हैं तो वो निश्चय धर्म का पालन करते हैं। ध्यान रखना, निश्चय धर्म में रत्नात्रय में ही होता है, मात्र सम्यक दर्शन मात्र में निश्चय धर्म नहीं होता है। जब तक रत्नात्रय पूर्ण न हो तब तक निश्चय धर्म भी नहीं होता है। तो अनुकूल हैं आप, मनुष्य पर्याय आपके पास है, आपके पास मनुष्य पर्याय होने के साथ साथ आप बिल्कुल पंचेंद्रिय संगी सब कुछ संपन्न हैं, तो आप मुनि बने, मुनि बनने की शक्ति भी है, और मुनि बन करके बाह्य आडंबर से रहित होकर के मात्र अपने धर्म ध्यान में ही समय बिताएं, आपको निश्चय ही जो है धर्म की प्राप्ति होगी होगी, इसी भाव में होगी। और इसी भाव में यदि आपको निश्चय धर्म की प्राप्ति हो गई तो ज्यादा भाव शेष नहीं रहेंगे संसार के, शीघ्रता से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। नमोस्तुचर श्री नीरजन छावनी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, उत्कृष्ट अनोदर व्रत में चावल का एक दाना खाकर पानी पीकर बैठ जाना, तो मेरी शंका यह है कि चावल के एक दाने से क्या अभिप्राय है? फिर रोटी, फल, मेवा, दूध आदि बिल्कुल नहीं लेना। अगर लेते हैं तो उसकी क्या विधि है? कृपया उत्कृष्ट, जघन और मध्यम अनोदर को समझाने की कृपा करें। उनुदर एक बाह्य तप है। उन उदर, उदर मतलब होता है पेट, उन मतलब कम। जितना आपका पेट में रोज भोजन जाता है उससे कम लेना उनुदर नाम का तप होता है। देखिए, भोजन बिल्कुल सामने रखा हो लेकिन कम खाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। कितनी इच्छाओं को शांत करना पड़ेगा। सारा व्यंजन रखा हो और आप चार रोटी की खुराक है और आप एक रोटी खा रहे हैं और उठ गए, तो आपने कितनी इच्छाओं को रोका है। जैसे आचार्यों ने कहा है उनुदर तप, बहिरंग से आपने किया, अंतरंग से इच्छाओं को भी रोका। अब इसका मध्यम, उत्कृष्ट और जो जघन्य की जो विधियां हैं, उत्कृष्ट विधि यह है मात्र एक चावल और जल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप चावल बनाते हैं बहुत सारा, उसमें से एक दाना ले लो, बस एक दाना लिया और जल लिया, आपका ये उत्कृष्ट उनुदर तप है। बहुत सारा भोजन और आपने एक चावल उसे जल लेकर के आ गए, तो आपने बहुत सारी आसक्ति को, बहुत सारी इच्छाओं को रोका है, तो ये आपका उत्कृष्ट जो है उनुदर हो जाएगा। जघन्य उनुदर क्या कहलाएगा? जघन्य अनुदर जो आप भोजन कर रहे हैं, आप पूरा खाइए लेकिन उसमें आपके एक चावल कम खाएं या एक ग्रास भी आपने कम खाया अपनी भूख से, तो वह आपका जघन्य अनुदर कहलाएगा, ठीक है ना। और बीच में मध्यम हो जाएगा, बीच में जितना भी है वो सारा का सारा मध्यम हो जाएगा। मतलब एक चावल से ऊपर करके, दो चावल हैं, 10 चावल हैं, 1 ग्रास है, 2 ग्रास है, जितना भी आप खाते हो बीच में, तो बीच वाले में किसी भी स्थान पर आप रुक जाते हैं तो वो आपका मध्यम उनुदर कहलाएगा। तो यहाँ पर चावल का अभिप्राय चावल ही है और कुछ नहीं है। मतलब चावल बराबर, चावल बराबर मतलब गेहूं भी हो सकता है, चावल बराबर मतलब दाल भी हो सकता, पर उतना ही, उससे बिल्कुल ज्यादा नहीं। तो ये समझ लो चावल एक माप है, एक प्रमाण है, इससे कम तो भोजन हो ही नहीं सकता अनाज का। तो कोई भी एक अनाज का दाना जो है और जल,
आपने ग्रहण कर लिया वह आपका उत्कृष्ट उनुदर कहलाएगा। और आपने भोजन जो पूरा है उसमें जितने उसमें से एक ग्रास या एक अनाज बराबर कुछ कम कर लिया तो वो आपका जगन उनुदर कहलाएगा। बीच का आपको मैंने बता दिया। नमोस्तुचर श्री डॉक्टर उषा रानी गौतमपुरी दिल्ली से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, जब हम अभिषेक करते हैं तो गंधोकन को घर ले जाते हैं और भगवान के जन्म तप कल्याणक का जो संस्कार होता है उसमें जो लौंग होती हैं उनको भी हम अपने घरों में ले जाके रख लेते हैं, तो क्या इसमें हमें कोई निर्माल्य का दोष लगता है या नहीं लगता? कृपया समाधान करें गुरुदेव। पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा आदि में प्रतिमाओं के संस्कार होते हैं, संस्कार चल रहे हैं अभी मात्र वो प्रतिमा है, और प्रतिमा में हम लौंग आदि के माध्यम से संस्कार करते हैं, अंकन्यास आदि भी करते हैं, और उसमें जो बीच बीच में अर्घ आदि चढ़ाए जाते हैं वो अर्घ नियम से निर्माल्य हो जाते हैं क्योंकि वो हमने छोड़े हैं, उनको ग्रहण ग्रहण करके उनको देते हैं। लेकिन जो संस्कार के जो लौंग हैं वह संस्कार के लौंगों को कदाचित आप ग्रहण कर सकते हैं, पूछ करके उनको ले जा सकते हैं, लेकिन वह निर्माल की दृष्टि में उनको नहीं लेना है क्योंकि निर्माल की दृष्टि में है कि हमने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, वो तो संस्कार के लिए अभी सामग्री दी गई है और वह संस्कारित करने के लिए दी गई है, ना कि चढ़ाने के लिए दी गई है, ना कि छोड़ने के लिए दी गई है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आपके घर से जाती हैं पंच कल्याणक में, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, तो पाटे भी जाते हैं, चौकी भी जाते हैं, बर्तन भी जाते हैं, शिलाएं भी जाती हैं, ऐसे बहुत सारे सामान जाते हैं संस्कार में उपयोग होते हैं, तो क्या वो सब निर्माल्य हो जाएंगे? आपने छोड़ दिए कि नहीं? छोड़े नहीं हैं। उस संस्कार में जो जो वस्तु लगनी है वो दे दी आपने, लेकिन जो स्वाहा करके आहुति करके छोड़ दिए गए हैं उनको ग्रहण नहीं करते हैं, और इस प्रकार से नमः करके जो संस्कारित किए जाते हैं वो मंत्रित हो जाते हैं, उनको कदाचित श्रावक ग्रहण कर सकता है, रख सकता है, उपयोग कर सकता है। जिस प्रकार आप साधु के लिए श्रीफल आदि अर्पण करते हैं तो वह स्वाहा करके नहीं करते हैं, इसी प्रकार से रख देते हैं, ऐसे ही लौंग आदि भी जो है वो संस्कारित किए गए हैं नमः आदि करके, तो उन्हें आप कदाचित ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई दुविधा हो, किसी प्रकार का मन में हो, तो आप ग्रहण ना करें और आप अपने अंदर मन में विकल्प बिल्कुल भी ना लाएं, आप ग्रहण ही मत कीजिए। जब प्रतिमा का जब प्रतिष्ठित हो जाएगी, अभिषेक होगा, गंधोदक होगा, तो वो ले सकते हैं। अब मैं आपसे ही बोलता हूँ, प्रतिमा के ऊपर आपने जो जल डाला वो गंधोदक बन गया, अब वो गंधोदक निर्माल्य है कि नहीं है? शांति धारा में स्वाहा शब्द आते नहीं आते, तो वो भी निर्माल्य हो जाएगा प्रतिमा वो नहीं, प्रतिमा वो मंत्रित हो गया। जैसे जल मंत्रित हो गया ऐसे लौंग आदि भी मंत्रित होते हैं, उसे आप उपयोग कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से नित्य शाम को प्रसारित होता है और पाठशाला भी प्रसारित की जाती है, जो कि तत्वार्थ स्वाध्याय की पाठशाला होती है। ये प्रोग्राम पारस चैनल में शाम 5 बजे से 5:40 तक चलता है, आप सभी अवश्य देखें। और जिस प्रकार से संबंधित किसी भी प्रकार से संबंधित ये कोई भी शंका आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेजें, आपकी शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आगम के अनुसार किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।